यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, 32 बटालियन के बगल में है। इसमें आप क्योंकि 2 दिन बैंक बंद था, तो आप जो बैंक के डिप्टी मैनेजर अगर इसको खोले, तो बाहर तो सब ठीक था, बाहर से कोई कोई बात नहीं थी। अंदर जब शटर खोल करके दरवाजे से अंदर जब ये गए, तो वहाँ देखा पूरा सामान अस्त पड़ा हुआ है और कई जगह तोड़ने के निशान है। बैंक मैनेजर के कंप्लीट कर दे तो वहाँ नकब लगी हुई थी। तो ये जैसे इनको ये सूचना मिली तो तत्काल उन्होंने थाने पर सूचना दी। थाना द्वारा जो है इनकी सूचना को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई तत्काल शुरू की गई। इसमें उसके बगल में एक खाली प्लाट पड़ा हुआ काफी बड़ा, और उस प्लाट के पीछे की तरफ रास्ता खुला है जो गांव बदाली खेड़ा की तरफ जाता है, वहां से आसानी से लोग आ सकते हैं। तो इसमें जो चोर थे उसी रास्ते से आए और उस प्लाट में एक अलग से कमरा बना जो बैंक की दीवार से सटा हुआ है। तो पहले उस कमरे का दरवाजा तोड़ा, तोड़ने से उसके अंदर घुसे, फिर उसकी दीवार पर नकब लगाया, उसके अंदर घुसे, और इसके बाद अंदर जाने के बाद जो जीना है जहाँ पर, वहाँ से एक नकब लगा करके बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुसे और अंदर जा करके उन्होंने पूरा प्रयास किया खोजने का, कोई चीज़ मिली नहीं। फिर इन्होंने स्ट्रांग रूम तोड़ने का प्रयास किया, उसका कुंडा तोड़ दिया और उसको खोदने का भी प्रयास किया, लेकिन क्योंकि वो मजबूत दीवार है वो नहीं खोद पाए। तो ये वहाँ से जो बैंक का एक मोबाइल वहाँ रखा हुआ था, उस मोबाइल को लिया, साथ ही टोकन थे जो पहले टोकन बांटे जाते थे वो टोकन, और कुछ चाबियां थी जो अलमारी की दराज की थी, वो चाबियां इन्होंने समेटी वो लिया। साथ ही इसके ऊपर गए, वहाँ से उन्होंने कुछ निष्क्रिय जो वायर और पोटियाँ रखी थी उसको भी लिया और ये निकल के चले गए। तो ये घटना, एक तो ये घटना हुई, दूसरा एक 17/18 मई की भी एक घटना हुई थी। ये बाइक सर्विसिंग की दुकान थी सरोजनी नगर क्षेत्र में, वहाँ पर भी नकब लगा करके 3 बदमाश उसमें थे और उसमें अंदर जो रखा हुआ सामान खटोला, लेकिन उसमें इनको 1,36,000 रुपया मिला था वो ले गए थे, साथ ही बाइक के सिस्टम ये लेके चले गए थे। ये तभी से पुलिस टीम लगी और इसको तत्परता से वर्कआउट करने का प्रयास किया, बहुत जल्दी ये था कि इसको वर्कआउट करना, इतना सनसनीखेज अपराध है, क्योंकि ये संयोग था कि ये प्रयास सफल नहीं हुआ, अन्यथा ये बहुत बड़ी घटना हो सकती। तो हमारी मोबाइल सर्विलांस टीम और थाना सरोजनी नगर की टीम ये पूरी तौर से लगी और इनको जो है दबोच लिया गया। 3 अपराधी मिले इसमें से, जिसमें एक बाल अपचारी है और 2 जो बालिग है, एक मऊ जनपद का रहने वाला है और एक प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और जो बाल अपचारी वो भी बलिया का रहने वाला है। ये लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, इनके पिता, और ये इस तरह का काम करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये केस वर्कआउट हुआ है और इस जो वर्कआउट करने वाली टीम है, मेरी तरफ से 20,000 का इनाम उनको घोषित किया गया है।